What's up guys, welcome back to Indian Soldier 1, मेरा नाम है वासव। और guys, अगर आपने मेरा दूसरा चैनल Indian Soldier Streams चेकआउट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट करना उस चैनल को, क्योंकि वहाँ पे मैं करता हूँ लेटेस्ट गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग और गेम प्लेस। तो अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ मेट्रो एक्सोडस का गेम प्ले, बहुत जल्दी मैं फार क्राई न्यू डॉन का गेम प्ले भी शुरू करने वाला हूँ, तो प्लीज़ चेक इट आउट। और मुझे बताइए कि आप कौन कौन सी गेम्स खेलना चाहते हैं, कौन कौन सी गेम्स वहाँ पे देखना चाहते हैं, वहाँ के जितनी भी वीडियोज़ हैं आप किसी में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका जवाब भी दूंगा। और साथ ही में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाले गूगल के नए कॉन्सोल के बारे में, जो कि कहा जा रहा है कि मेजर कॉम्पिटिटर हो सकता है प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स का। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या क्या लीक सामने आई हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लेट्स गो। ओके, तो गाइस सबसे पहली बात कि नेक्स्ट मंथ ऐसा क्या होने जा रहा है जहां पे गूगल इस चीज़ को अनाउंस करने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट मंथ मार्च 18 से मार्च 22 तक, डेट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं शायद, मेरे को कंफर्म डेट्स नहीं पता। तो मार्च 18 को स्टार्ट है GDC, दैट इज़ नोन एज गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। और ये एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर बहुत सारे, बहुत टाइम से होते आ रहे हैं, और जिसमें बहुत सारे जो गेमिंग स्टूडियोज़ हैं, गेमिंग डेवलपर्स हैं, वो आते हैं, वो अपनी नई टेक्निक्स, अपनी नई गेम्स, अपने नए इंजन्स, जो इंजन पे गेम बनती हैं, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि बेस प्लेटफॉर्म होता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर गेम्स को डिवेलप किया जा सकता है वो, और साथ में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, गेम्स डिवेलप करने की नई नई टेक्निक्स, वो सब वहाँ पे डिस्कशन होती है। तो इस चीज़ को नाम दिया जाता है गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नेक्स्ट मंथ जो होने वाली है उसमें गूगल ने अपना एक स्लॉट रिजर्व कर लिया है। अब बात पिछले 7-8 महीने से ये हो रही है कि गूगल एक प्रोजेक्ट यति के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक गेमिंग कॉन्सोल है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर हम लेट्स बी प्रैक्टिकल, मैं आपको बताने वाला हूँ मुझे क्या लगता है। ये सब चीज़ें मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ी और मुझे एक डाउट हुआ कि क्या हो सकता है नेक्स्ट जेन कॉन्सोल गूगल का। नेक्स्ट जेन तो नहीं कहूँगा, जो भी होगा, अगर गूगल को वाकई में मार्केट में अपनी एक स्टेटस बनाना है गेमिंग कॉन्सोल के मामले में, तो उनको पहली बात तो प्ले स्टेशन जो नेक्स्ट जेन होने वाला है और एक्सबॉक्स जो नेक्स्ट जेन होने वाला है उनसे करना पड़ेगा कम्पीट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसपे गूगल को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि वो अपनी मार्केट में पहचान बना सके। सबसे पहली चीज़ गाइस, गूगल यति के साथ क्या कर सकता है, नेक्स्ट जेन कॉन्सोल से कम्पीट करने वाला एक कॉन्सोल लॉन्च करें। बात यह है कि गाइस पिछले 6-7 महीने से गूगल बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स को हायर कर रहा है, सोनी से, माइक्रोसॉफ्ट से, जो VR स्पेशलिस्ट हैं, जो गेम स्पेशलिस्ट हैं, उनको हायर कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो एक बात क्लियर हो जाती है कि ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट ही है। अब किस तरह का गेमिंग प्रोजेक्ट है, अगर आपको एक कॉन्सोल लॉन्च करना है 2019 में, जब ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश्ड कॉन्सोल जैसे कि PS4, Xbox One अपने लाइफ साइकिल के लास्ट स्टेजेस पर हैं और उनके नेक्स्ट वर्जन आने वाले हैं, तो आपको एक ऐसा कॉन्सोल लेके आना चाहिए जो उनके नेक्स्ट वर्जन से कम्पीट कर सके। तो यहाँ पे गूगल अगर कुछ बढ़िया सा लॉन्च करना चाहता है तो उसको करना पड़ेगा एक 4K गेमिंग कॉन्सोल लॉन्च। अगर गूगल ये चीज़ नहीं करना चाहता जो मैंने अभी आपको बताई कि एक 4K गेमिंग कॉन्सोल, तो दूसरी चीज़ गूगल यहाँ पे क्या कर सकता है, गूगल कर सकता है एक स्ट्रीमिंग कॉन्सोल लॉन्च, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो गूगल यति है ये एक स्ट्रीमिंग कॉन्सोल होगा, यानी कि इसके अंदर जो हार्डवेयर होगा वो कोई प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स लेवल का नहीं होगा, सिंपल हार्डवेयर होगा। आपको एक स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जैसे आप नेटफ्लिक्स वगैरह की ले सकते हैं, या फिर मैं आपको बताऊं तो PS Now एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। PS Now एक ऐसी सर्विस है जिसके ऊपर आप PlayStation 1, 2, 3 और इवन 4 की गेम्स जो है वो आप स्ट्रीम करके एक तरह से चला सकते हैं PlayStation 4 के ऊपर, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है बट बहुत सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो यहाँ पे गूगल ने क्या कर सकता है कि स्ट्रीमिंग सर्विस एक तरह से शुरू कर सकता है जिसमें गेम्स की स्ट्रीमिंग हो। आपको एक इतना कोई हाईफाई हार्डवेयर नहीं चाहिए, गेम्स जो चलेंगी वो उनके सर्वर्स में चलेंगी, आप सिर्फ उनको घर बैठे बैठे खेलो। एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम ये है गाइस कि अगर गूगल ऐसा करता है तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि इस कॉन्सोल को सिर्फ वही लोग ले पाएंगे जिनके पास एक बहुत अच्छा और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है। दूसरी चीज़ ये
कि अगर गूगल ऐसा करता है तो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश प्लेयर्स जो हैं PS और Xbox वो भी ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो लोग गूगल को क्यों प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ PS या फिर Xbox। अगर गूगल पहले और दूसरा पॉइंट दोनों ही नहीं करता तो तीसरा पॉइंट क्या कर सकता है? अगर गूगल एग्जिस्टिंग गेम्स जो कि अभी तक आपको मार्केट में देखने को मिली हैं या जो लॉन्च होने वाली है, अगर उस गेम्स को चलाने के लिए कॉन्सोल लेके आता है तो मेरे ख्याल से गूगल तो बिल्कुल ही फ्लॉप है। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जो PlayStation 4 और Xbox कॉन्सोल्स हैं, अगर वो इतने अच्छे से गेम्स को चला पा रहे हैं, सब कुछ उनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच, तो फिर गूगल नया क्या कर रहा है? PC पे भी लोग गेम्स खेल रहे हैं, PS4 पे भी, मोबाइल पे भी, Xbox पे भी, तो ऑप्शंस लोगों के पास ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे गूगल को बहुत कुछ नया करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मार्केट। अगर गूगल कुछ भी गेमिंग इंडस्ट्री में करना चाहता है तो उसको सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, वो है खुद की गेम्स। मतलब कि गूगल को कुछ ऐसी गेम्स चाहिए जो एक्सक्लूसिव हो गूगल येटी के लिए। अब मैं येटी यहाँ पे सिर्फ नाम ले रहा हूँ रेफरेंस के लिए, हो सकता है उस एक्चुअल गेम कॉन्सोल का नाम कुछ और हो। तो मेरे ख्याल से गूगल को एक्सक्लूसिव टाइटल्स चाहिए, जैसे PlayStation के पास अपने एक्सक्लूसिव्स हैं, Xbox के पास अपने एक्सक्लूसिव्स हैं, PC पे अपने एक्सक्लूसिव्स आते हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म पे उनके अपने एक्सक्लूसिव्स आते हैं, जिनकी वजह से लोग इन प्लेटफॉर्म्स को परचेज करते हैं। तो गूगल को ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, प्राइस। तो अगर गूगल इनमें से कोई भी चीज़ करना चाहता है, पहली चीज़ ये कि उसको प्राइस रखना पड़ेगा बाकी सबसे कम्पीट करने लायक या फिर लोअर। क्योंकि अगर गूगल 40,000 रुपये का कॉन्सोल लॉन्च करता है तो लोग उसकी बजाय PlayStation या Xbox ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि इन कंपनीज के पास सालों का, डेकेड्स का एक्सपीरियंस है गेमिंग में, इंस्टेड ऑफ गूगल के पास एक साल का। तो गाइस मेरे हिसाब से गूगल यहाँ पे एक स्ट्रीमिंग कॉन्सोल लॉन्च कर सकता है नेक्स्ट मंथ, बट मुझे नहीं पता कि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं। अगर गूगल कुछ करना चाहता है इसमें सक्सेसफुल होने के लिए तो उसको कुछ ऐसी चीज़ लॉन्च करनी पड़ेगी जो लोगों ने ना पहले कभी सुनी हो और एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश आइडिया हो PlayStation Xbox से हटके, तभी गूगल सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई। गाइस लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करना कि क्या लगता है आपको इनमें से क्या चीज़ हो सकती है, जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए इनमें से क्या चीज़ फैक्ट हो सकती है, क्या चीज़ आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन 5 में से कुछ एक चीज़ ही करनी पड़ेगी गूगल को, नहीं तो वो गेमिंग के मामले में कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे प्लीज़ बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, और साथ में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।